देखिए हम लास्ट टॉपिक पर लास्ट एंड पर आप लोगों को इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे। इवोल्यूशन में टॉपिक हो गई थी कि व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास, ठीक। तो इस अर्थ पर विकास कैसे हुआ है, तो इवोल्यूशन पढ़ाए थे। फिर होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे, क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स, हेट्रोलॉगस ऑर्गेनिज्म हुआ था। फिर आज का टॉपिक हमने बताया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का थ्योरी मीन्स क्या होता है सिद्धांत, थ्योरी मीन्स सिद्धांत। विकास का सिद्धांत क्या है, विकास का सिद्धांत क्या है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में विकास के सिद्धांत में कई साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिया, अपना अपना थाट दिया, अपना अपना विचार दिया। कई साइंटिस्ट ने, जैसे पहले कौन से आए, चार्ल्स डार्विन आए, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद लैमार्कवाद आए, चार्ल्स डार्विन के बाद लैमार्कवाद ने अपनी थ्योरी, लैमार्क के बाद आए नो लैमार्कवाद, ठीक। तो पहले क्या थे, पहले कौन से साइंटिस्ट थे, थ्योरी जो दिया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन बाई चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स होती है प्राकृतिक वाद, नेचुरल मीन्स प्रकृत होता है, सिलेक्शन मीन्स वाद। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाई चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या थे, साइंटिस्ट थे। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को डार्विन में पूछा जाता है, डार्विन करके या फिर लैमार्कवाद, तो कभी एग्जाम में ये भी पूछा लिया जाता है कि डार्विन का पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में बेस आर्ट में है, डार्विन का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स डार्विन, ठीक। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पहली थ्योरी दी थी नेचुरल सेलेक्शन प्राकृतिकवाद, नेचुरल सेलेक्शन प्राकृतिकवाद। तो पहले इनका हेडिंग है थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था, बाई चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जिन अंगों का यूज किया जाएगा, जिन अंगों का यूज किया जाएगा उन अंगों की, जिन अंग का, जिन आर्गन का यूज किया जाएगा उन अंगों की ग्रोथ होगी, और जिनका यूज नहीं किया जाएगा वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और ऐसे इनके क्या हो गई, अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी तैयार हो गई। इन्होंने ये देखा, चार्ल्स डार्विन ने देखा कि जैसे जिराफ थे, जिराफ क्या थे, एनिमल थे, उन्होंने कहा कि जो जिराफ घास चरते थे, जो जिराफ छोटे छोटे चारा चरते थे, घास चरते थे, वो छोटे हो गए, वो क्या थे, छोटे। लेकिन जब नीचे जमीन पर उनको घास नहीं मिली तो क्या हुए, जो ट्री थे वो अपनी गर्दन को ऊंची कर करके क्या हो गए, ट्री को खाने लगे, ठीक है, खाने लगे, जिससे क्या हो गई, उनकी गर्दनें बढ़ गई, गर्दन बढ़ गई। तो चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जैसे जैसे जिन अंगों का प्रयोग हुआ, जिन अंगों का प्रयोग हुआ वो मतलब नीचे घास नहीं थी खाने के लिए, उनके अपने भोजन के लिए वो ट्री पर, ट्री को खाने लगे, वृक्षों को खाने लगे, जिससे उनके क्या हो गए, नेक गर्दन बढ़ गई। किसने कहा था, चार्ल्स ने कहा था, ठीक। तो कहा कि प्राकृतिक में उन्होंने, इस प्राकृतिक में जिस स्पीसीज, जो स्पीसीज पाई गई, ठीक है, उनकी जो होती है ग्रोथ बढ़ती गई, जिस जो स्पीसीज पाई गई उनकी ग्रोथ बढ़ती गई, और जो नहीं पाई गई वो विलुप्त हो गई, डिस्टिनिक्स हो गई, डिस्टिनिक्स में विलुप्त हो गई, ये उन्हें कहा था चार्ल्स डार्विन ने। और भी इनकी एक क्या थ्योरी थी, कोई भी एक अंग को बता दिए, उसके बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन बाद लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में उनका क्या था, अलग ही मत था, ठीक। उनका मत था कि ये सब क्या होते हैं, जीन के अनुसार होते हैं,
जेनेटिक्स के अनुसार होते हैं। लैमान चार्ल्स डार्विन के बाद आता है लैमान वाद। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होते हैं, ये उनके क्या होते हैं पेरेंट्स के जीन के कारण होते हैं। ये थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक, इसको नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो कि प्रकृति के द्वारा, ऐसा कि ह्यूमन नहीं करते हैं जो कि प्रकृति करती है। प्रकृति के द्वारा उनके अंगों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो अंगों पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। प्राकृतिक की जैसे हमने एग्जांपल्स बताया जैराब का, ठीक वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे जिस अंगों का यूज हुआ वो क्या हुए, बढ़ते चले गए। जिस अंगों का यूज नहीं हुआ उस अंग क्या हो गए, धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ये उनका क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी में क्या आते हैं, चार्ल्स डार्विन के बाद आते हैं फिर, और उन्होंने बीटल दिए कुछ। इसमें क्या थे, बीटल थे। ये क्या थे, रेड बीटल। दूसरा क्या थे, ग्रीन बीटल। लैमार्क बाद ने उनमें चेंज करे,
उनके उस थ्योरी को, ये चार्ल्स डार्विन को कैंसिल कर दिया गया है। इन्होंने जो कहा कि नेचुरल प्राकृतिक में जिस अंगों का प्रयोग किया गया वो अंग बढ़ते चले गए, जिसका प्रयोग नहीं किया गया वो विलुप्त हो गए। इस थ्योरी को डार्विन की थ्योरी को लैमार्कवाद ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके बाद उसमें कुछ चेंजिंग किए, चेंजिंग करने के बाद एक नई थ्योरी आई जिसको कहा गया नो लैमार्कवाद या फिर नियो लैमार्कवाद थ्योरी। ठीक, तो आज आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन था इवोल्यूशन की, क्या थी, इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट टर्म पर हम इसके बारे में डिटेल डिराइव करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट।